हेलो जी, कैसे हो आप सब? सबको मेरे नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं मुरमुरे का नमकीन बनाऊंगी, जिससे हम लड्डू बनाते हैं और वो क्या बोलते हैं, बेल भी बनती है। मुरमुरे का मैंने आधा पैकेट लिया है और मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया। स्लो गैस पे इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे, जब तक इसमें ऐसे हम दबाएंगे आवाज़ नहीं आएगी, तब तक हम इसको स्लो गैस पर भूनेंगे। और एक साइड कढ़ाई रख देंगे, उसमें मूंगफली को रोस्ट करेंगे। मैंने 1.5 कटोरी छोटी मूंगफली ली है। मूंगफली आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको हम हल्का सा ब्राउन कलर आने तक इसको हम रिफाइंड ऑयल में थोड़ा सा इसको भून लेंगे। इसको थोड़ा करारा बना दे तब तक हम इसको भून लेंगे अच्छे से। ये मैं अच्छे से चम्मच से इसको हिलाते रहेंगे। ये देखिए, इसका कलर अभी चेंज हो गया है। हम इसको अब निकाल लेंगे छन्नी में। आप इसको एक खा के देख सकते हैं, जिसमें अगर इसमें क्रंचीपन आ गया तो मूंगफली हमारी रेडी है। ये इसमें नमकीन में डालने के लिए सब मूंगफली को हम निकाल लेंगे, साइड में रख लेंगे। और ये मैंने लिया है थोड़ा ड्राई फ्रूट, बादाम लिए है, काजू है और इसमें नारियल है, जो मैंने नारियल को पतला पतला काट लिया है। काजू को भी 2 टुकड़ों में काटा है और बादाम को भी मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है। नारियल हम एकदम पतला पतला रखेंगे ताकि हमें खाने में ज़्यादा हार्ड ना लगे। इसको भी हल्का सा हम सुनहरा कलर आने तक उसी में थोड़ा सा इसको भून लेंगे हम, जिससे भी सब चीज़ों को भून के डालेंगे तो इनका फ्लेवर भी अच्छा आता है और थोड़ा टेस्ट भी बढ़िया वाला हो जाता है। इसका कलर होने तक हम इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। देखिए, अब इसको हम थोड़ी देर तक फ्राई होने देंगे, फिर निकाल लेंगे इसको। ये देखो, इसका भी कलर चेंज होने लग पड़ा है। अब हम इसको छन्नी में निकाल लेंगे। सब चीज़ों को हम एक एक करके ऐसे रोस्ट कर लेंगे। ये मैं छन्नी में सब निकाल लूँगी, ये देखिए, ताकि इसका जो ऑयल रहेगा वो अलग से निकल जाए। मैंने मखाने और किशमिश ली है। आप 2 तरह की किशमिश होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, ब्लैक कलर वाली भी, और मैंने ये वाली ऐड की है, और थोड़े से मखाने इसमें ऐड किए हैं। इनको भी हल्का सा भूनना है, इनको तो बिल्कुल ही हल्का सा भून देंगे हम, ज़्यादा देर नहीं हम इसको फ्राई करेंगे। अब इनको हम देख लेंगे थोड़ा सा, और फिर इसको हम निकाल लेंगे छन्नी में, साइड में रख लेंगे। अब एक कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में हम तेल रहने देंगे। कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची ली है मैंने, उनको थोड़ा सा हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो, ज़्यादा नहीं हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा मिर्ची का कलर भी चेंज हो जाए और कड़ी पत्ते का भी। कड़ी पत्ता हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे इसमें, नमकीन में टेस्ट अच्छा आता है कड़ी पत्ते का। अब मैं थोड़ी सी राई लूँगी उसी तेल में, राई को हम थोड़ा चटकने देंगे। अब मैंने गैस बंद कर दी है, थोड़ी सी हींग लेंगे, तेल हमारा गर्म ही है, उसी में हम इनको चीज़ों को रोस्ट कर लेंगे। हींग का फ्लेवर भी अच्छा आता है नमकीन में। ये देखिए, हमारा मुरमुरा मैंने भून लिया सारा, थोड़ा सा बीच में लाल हो गया, पर इसको ज़्यादा हमने करना नहीं, हल्का सा क्रंची बना जाए तब तक। ये सारी चीज़ें मैंने फ्राई की हुई है। अब इसको बड़े बर्तन में मुरमुरे को निकाल लेंगे ताकि हमें सब चीज़ें मिक्स करने में इजी रहे। राई और हींग के तड़के को हम इसमें डाल देंगे, मुरमुरे के ऊपर डाल देंगे अच्छे से। अब बाकी चीज़ें को भी जो हमने फ्राई करके रखा है, मूंगफली, काजू, बादाम, मखाना, किशमिश और नारियल, इनको भी इस मुरमुरे के ऊपर डाल देंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया। थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, ये देखिए, धनिया पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची ऐड करेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से आप हाथ साफ करके अच्छे से हम मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा मुरमुरा नमकीन तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है। अगर आपको भी ये चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं बना के दूंगी आपको। मुरमुरा नमकीन हमारा तैयार है। लाइक, शेयर, फॉलो ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और मुरमुरा नमकीन बनाइए। थैंक यू।